तो भाई आज कृति सेनन का बर्थडे है, तो आपकी फेवरेट कृति सेनन की मूवी कौन सी है? मेरे को कीर्ति सेनन की फेवरेट मूवी लगी प्रेम रत्न धन पायो। उसका कैरेक्टर जो उसमें था, उसने कैरेक्टर अच्छे से प्ले भी किया, काफी अच्छा भी लगा देखने के बाद में, और मतलब सुंदर भी है। कृति सेनन तो उस मूवी में थी ही नहीं। तो कौन थी? सोनम कपूर। सोनम कपूर सारी। मुझे भेड़िया पसंद है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने उसके अंदर। मिमी मेरी फेवरेट मूवी है उनकी। हाँ जी, और मैंने देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है, और आज उनका बर्थडे भी है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भेड़िया। भाई आज कृति सेनन का बर्थडे है, तो आपकी फेवरेट कृति सेनन की मूवी कौन सी है? मुझे भेड़िया पसंद है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने उसके अंदर। मिमी मेरी फेवरेट मूवी है उनकी। हाँ जी, और मैंने देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है, और आज उनका बर्थडे भी है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भेड़िया। मेरे को कीर्ति सेनन की फेवरेट मूवी लगी प्रेम रत्न धन पायो। उसका कैरेक्टर जो उसमें था, उसने कैरेक्टर अच्छे से प्ले भी किया, काफी अच्छा भी लगा देखने के बाद में, और मतलब सुंदर भी है। कीर्ति सेनन तो उस मूवी में थी नहीं। तो कौन थी? सोनम कपूर। सोनम कपूर। मुझे कीर्ति सेनन की मूवी फेवरेट वो अच्छी लगी थी सबसे ज्यादा, जो दिलवाले में शाहरुख खान और वरुण धवन है, उसमें उसका कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा था, और देखने के बाद मुझे लगा भी मतलब कैरेक्टर को चेंज करना कैसे चाहिए, उस लड़की ने दिखाया भी है मतलब, और उनको मैं अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा, हैप्पी बर्थडे कीर्ति सेनन जी। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत सारे, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कीर्ति सेनन का? वैसे मेरी फेवरेट मूवी मिमी है, तो वही कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी वजह से वो मूवी भी मेरी फेवरेट है, और बाकी भी मूवीज़ उनकी अच्छी ही है, मुझे अच्छी लगती है उनकी मूवीज़, और उनकी आने वाली मूवीज़ का भी इंतज़ार है। मिमी वाला ही है फेवरेट कैरेक्टर। हाँ, मिमी मूवी में जो काम किया उन्होंने वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। वही दिलवाले में ही लगा, क्योंकि उसका हाँ वो जो सिस्टर का कैरेक्टर कर रही है अपने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने के बाद। तो कोई एक मैसेज अगर आप कृति सेनन को देना चाहोगे तो क्या होगा? मैं उनको है ना एक ऐसी मूवी में देखना चाहता हूँ जो कि किसी हमारे इतिहास पर हो, जिसमें इतिहास पर हो, देश के किसी भी इतिहास पर, और उसमें उनका किया था पानीपत किया था उन्होंने। हाँ वो मैंने देखा, लेकिन उनसे भी अच्छी मूवी हो सकती है उनकी, जैसे कि आपने देखी है पद्मावत वगैरह, दीपिका पादुकोण उनकी, तो ऐसी मूवी में उनको देखना चाहूँगा, कोई ऐसी मूवी हो जिसमें रानी का उनका किरदार हो, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे नहीं बोलो, हैप्पी बर्थडे कृति मैम। आप बहुत आगे बढ़ गई और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, हम हैप्पी बर्थडे, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी मूवीज लाते रहिए, हम देखते रहे, हमें एंटरटेन करते रहिए। आप ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी मूवियाँ लाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। मैसेज यही कि मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, और आप आगे ऐसे आगे बढ़ते रहो, हमारी तरफ से आप लोग का सपोर्ट है, प्रेम है, सब कुछ। थैंक यू कृति मैम, हैप्पी बर्थडे वन मोर। वी विश कृति सेनन अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आवर अपकमिंग मूवीज। सो लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।